दोस्तों, एक तरफ है भारत का शेर जिसने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और दुनिया के बड़े बड़े रेसलर को मात दी है। वहीं दूसरे तरफ है पाकिस्तान का ये गुब्बारा जिसका नाम है खान बाबा, जो कि इस धरती पर बोझ है, वो भी काफी भारी भरकम। एक तरफ है वो जिसके मात्र एक वार से बड़े पहलवान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं अगर खान बाबा की बात करें तो ये डेढ़ पसली के लोगों को उठा के अपनी ताकत दिखाते हैं। एक तरफ है खली जो कि सच में WWE में लड़ते हैं, वहीं खान बाबा नकली WWE का मैच लड़ते हैं, वो भी एक्स्ट्रा वाली लाइट लगा के। एक तरफ है वो जो कि ढेर सारा खाना खाता है और अपने शरीर को मजबूत बना के मैच जीत जाता है। वहीं दूसरे तरफ हमारे खान बाबा हैं, जो कि इतना खाना खाते हैं और पानी पीते हैं कि पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाती है और वहाँ के लोगों को पानी के लिए कुछ ऐसा बोलना पड़ता है। अरे रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है, ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांध धोने के लिए पानी नहीं है। वैसे आप अच्छी तरीके से समझ ही रहे होंगे कि इन दोनों के बीच क्या कॉमन है, लेकिन फिर भी खान बाबा ने द ग्रेट खली को मैच के लिए चैलेंज किया है। वो भी एक बार नहीं बल्कि इन्होंने कई सारे वीडियोस में द ग्रेट खली को कुश्ती के लिए चैलेंज किया है। मैंने तुम्हारे ग्रेट खली को चैलेंज किया है, तुम लोग इतने बेगैरत हो गए, अभी तक उसको तुमने तैयार ही नहीं किया, अभी भी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग हमारे साथ क्या लड़ोगे? हम तुम्हें बंदूकों से नहीं, सिर्फ थप्पड़ से मारेंगे। ये एक हाथ तुम सबके लिए काफी है, तुम ये पठान का हाथ है, पठान का। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं इनके चैलेंजेस वाली वीडियोस को देखता हूँ तो डर कम लगता है और हंसी ज्यादा आती है। हो सकता है कि आपको भी ऐसा ही लगता हो, तो कमेंट में थोड़ा हंसी वाला इमोजी जरूर भेज देना। दोस्तों, अब ये सोचने वाली बात है कि द ग्रेट खली ऐसे प्लेयर हैं जो कि बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा चुके हैं, यहां तक कि अंडरटेकर और बिक्सो भी इनके सामने नहीं टिक पाए। ये सब जानने के बाद भी ना जाने हमारे पाकिस्तान के ये गोलू भैया ऐसा क्यों बोल रहे थे। अब इसके पीछे रीजन क्या था ये बात तो वही बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों की जिंदगी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं द ग्रेट खली के बारे में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। WWE से पहले खली पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के हल्क के बारे में तो इनका ये कहना है कि ये पैदाइशी पहलवान है और इन्हें इनकी पहलवानी के लिए किसी को सबूत या सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, यानी कि खान बाबा ने खुद से ही खुद को पहलवान घोषित कर दिया। मतलब कि दूसरे को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या बात है मेरे भाई। दोस्तों, अगर खली के शरीर के बारे में बात की जाए तो इसके पीछे भी कहानी है। दरअसल हमारे दिमाग में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे एक हार्मोन निकलता है जो कि ये कंट्रोल करता है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग कितना लंबा होगा। लेकिन कभी कभी किसी बीमारी की वजह से ये हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और शरीर बेहिसाब बढ़ने लगता है। खली के साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ और देखते ही देखते इनका शरीर विशालकाय बन गया। खली की लंबाई 7 फीट से भी ज्यादा है। इसी का फायदा उठा के खली ने अपने शरीर को कुछ इस तरह से बना लिया कि आज इन पे पूरा देश गर्व करता है। अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के हल की बात करें तो इनका वजन 440 किलो से भी ज्यादा है, जैसा कि आप इन्हें देख के समझ ही सकते हैं। ये खान बाबा जो खुद को पहलवान बताते हैं 6-7 लोगों का वजन अकेले लेके घूमते हैं। खान बाबा बताते हैं कि इतनी ज्यादा वजन होने के बाद भी इन्हें कोई बीमारी नहीं हुई है। ये ज्यादा से ज्यादा खाना खा के अपने वजन को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा वजनी इंसान होने का खिताब भी मिल चुका है। यार, खिताब भी मिला तो दुनिया के सबसे मोटे इंसान होने का। जहां पूरे दुनिया में लोग मोटापे को कम करना चाहते हैं, वहीं इन्होंने अपने मोटापे की वजह से खली को चैलेंज कर दिया। इनका कहना है कि जब ये 15 साल के थे तो इनका वजन 115 केजी से भी ज्यादा था और बढ़ती उम्र के साथ साथ इनका शरीर भी बढ़ता चला गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं इन दोनों पहलवानों के डाइट के बारे में। अगर हम खली की बात करें तो ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही खाते हैं। वहीं खान बाबा बताते हैं कि वो एक दिन में 4 से 5 मुर्गे चट कर जाते हैं। अगर इसी तरह खान बाबा मुर्गे खाते रहे तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को भारत से मुर्गे उधार लेने पड़े। खान बाबा आगे बताते हैं कि वो एक दिन में 10,000 कैलोरी वाला खाना खा लेते हैं। वहीं खली एक दिन में 12,000 कैलोरी वाले खाने का सेवन करते हैं। खली अपने 157 किलो के इस शरीर के लिए सुबह से ही खाना शुरू कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने खाने में हमारा पूरा परिवार खा लेता है, उतना खाना तो खली केवल अकेले ही एक टाइम में खा लेते हैं। इतना खाना खाने के बाद खली दिन में 4 से 5 घंटों तक जिम करते हैं, क्योंकि केवल इन्हें इतना खाना ही नहीं खाना होता बल्कि अपने बॉडी को फिट भी रखना होता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खान बाबा बोलते हैं कि उन्हें जिम की जरूरत नहीं है। जिम तो बेवकूफ लोग करते हैं, वो तो पूरे दिन खाना खाते हैं और 2-3 घंटे कभी ट्रैक्टर खींचते हैं तो कभी ट्रक। लगता है कि इन्होंने जिम करने का एक नया ही तरीका इजाद कर लिया है। दोस्तों, अगर खली के कैरियर की बात करें तो ये WWE के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। खली इकलौते ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने अंडरटेकर को केवल एक ही बार में हरा दिया। द ग्रेट खली अपनी जिंदगी में क्या क्या कर चुके हैं इस बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारे गोलू मोलू खान बाबा क्या कर चुके हैं। वैसे अब तक इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ा है, लेकिन इनका कहना है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। खली ने 8 सालों तक
यूएई में काम किया और 456 मैचों में अपना दमखम दिखाया। वहीं खान बाबा अपने हाथों से बड़ी गाड़ियों को खींच लेते हैं। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, जो कि है खान बाबा और खली के बीच कुश्ती की लड़ाई की, जिसका चैलेंज खान बाबा ने अपने यूट्यूब वीडियो में दिया है। दरअसल ये अपने यूट्यूब चैनल पे उत्पटांग हरकतें करते रहते हैं, कभी गाड़ियां खींचते दिखाई देते हैं तो कभी लोगों को अपने कंधे पे उठा लेते हैं, तो कभी नकली WWE मैच खेलने लगते हैं। जरा देखो इनकी एक्टिंग, अरे चीचा कम से कम अच्छी एक्टिंग तो कर लेते, मतलब भाई इससे तेज तो मेरे घर वाले मुझे हंसी मजाक में ही मार देते हैं। देख रहे हो ये रेफरी है, अरे भाई हंसने की जरूरत नहीं है बल्कि ये रेफरी ही है। नहीं भाई तुमने मुजरे वाली लाइट लगाई हमने एक्सेप्ट कर लिया, तुमने घटिया एक्टिंग की फिर भी हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये रेफरी भाई मुझसे सहन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान के लोग भी खान बाबा को नकली बताते हैं और उनका कहना है कि ये अपने शरीर पे नकली चीजें लगाते हैं और खुद को भारी भरकम दिखाते हैं।